नमस्कार दोस्तों, फाइनली सैमसंग ने अपने F41 में नया अपडेट दे दिया है। दोस्तों काफ़ी लोग थे जो इस अपडेट का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि कब इस फ़ोन में ये नया अपडेट आएगा, क्योंकि बाकी जितने भी फ़ोन है A50 वगैरह उन सब में अपडेट आ चुके थे, बस इस फ़ोन में नहीं आया था। तो फाइनली दोस्तों सैमसंग ने इस फ़ोन में भी नया अपडेट दे दिया है। दोस्तों इस अपडेट में हमें क्या नया देखने मिलता है, इसका कितना साइज है, और दोस्तों इसके अपडेट के बाद हमारे फ़ोन में क्या क्या चेंजेस हो गए मिलेंगे, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ में बेल आइकन भी दबा दें जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करता हूं मैं इस अपडेट के साइज़ की। तो दोस्तों जी अपडेट दोस्तों 110 से लेकर 120 एमबी के समथिंग का होने वाला है। तो दोस्तों ज़्यादा बड़ा अपडेट नहीं है जी, आप आसानी से इस अपडेट को कर सकते हो। दोस्तों इस अपडेट में हमें नया क्या देखने को मिलता है, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस अपडेट में हमें कुछ नया देखने को नहीं मिलता। इसमें सिर्फ दोस्तों हमारे फ़ोन में जो बक्स थे जो पुराने वाले वो थोड़े फिक्स होकर मिलेंगे, और बाकी दोस्तों आपके फ़ोन का सिक्योरिटी पैच लेवल इंक्रीज कर दिया जाएगा, और बाकी ऐसा इसमें कुछ ही नहीं है, क्योंकि हमारा फ़ोन ऑलरेडी पहले एंड्रॉयड 11 पे चल रहा है, प्लस दोस्तों 1 UI 3.1 पे चल रहा है। दोस्तों अभी सैमसंग ने कोई UI निकाली नहीं है इससे बेटर वाली, और ना ही दोस्तों अभी एंड्रॉयड 12 बाकी और फ़ोनों में आया है। तो दोस्तों जो छोटे छोटे अपडेट होते हैं ये सैमसंग इतनी जल्दी इसलिए देता है क्योंकि हमारे फ़ोन का जो सिक्योरिटी पैच लेवल है वो इंक्रीज हो सके, और वहीं दोस्तों हमारे फ़ोन में जो लास्ट अपडेट से बक्स आते हैं वो फिक्स हो सकें, क्योंकि F41 में दोस्तों थोड़े बहुत बक्स आ रहे थे माइनर वाले, जैसे थोड़ा फ़ोन चार्जिंग होने में थोड़ा लेट हो रहा था या फिर बैटरी दोस्तों पहले से मुताबिक कम चल रही थी। दोस्तों ये सब जो होता है एंड्रॉयड के अपडेट की वजह से, जो सैमसंग दोस्तों अपने हर नए अपडेट में अपनी इस प्रॉब्लम को फिक्स करता रहता है। दोस्तों अगर आपके फ़ोन में अपडेट आया तो फटाफट से कर लो, और अपने फ़ोन में दोस्तों ये अपडेट करके आपके फ़ोन में जो प्रॉब्लम चल रही है वो सारी फिक्स हो सकती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक उसे जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ज़रूर है, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।